नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है भाई। और आज एक बार फिर से अपन क्या करेंगे, एक वही वीडियो इंटरव्यू से संबंधित है। तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, ये चीज़ें देखने से आपका अनुभव भी बढ़ेगा और आपको काम में आने वाली चीज़ें आपको भविष्य में काम भी आएगी। तो आज फिर से एक कैंडिडेट आएगा, अपन इंटरव्यू उनका लेंगे, पूछेंगे कहाँ से कोर्स किया है, कितना नॉलेज है, उसके बाद में उसको जॉब भी अप्रोच करेंगे, अच्छी सैलरी पैकेज भी दिलवाएंगे, अच्छा नॉलेज हुआ तो। तो देखते रहिएगा, साथ में आपका भी अनुभव बढ़ेगा, आपको भी नॉलेज मिलेगा। चलिए कमिंग सर। नमस्ते। कब किया था फायर सेफ्टी का कोर्स? 2018 में किया। 2018 में? जी सर। कहाँ से किया था? सर मैं नोर बांद्रा से किया था, SMG फायर इंस्टीट्यूट से। अच्छा जी सर, ठीक है। तो बेसिक फायर फाइटिंग का नॉलेज है आपको? जी सर। बेसिक चीज़ें पता है ना? जी सर। कौन कौन से टॉपिक आपको याद है उनमें से पूछ लेता हूँ मैं, कौन कौन से याद है बताओ सर। आग क्या होती है, फायर एक्सटिंग्विशर, हाइड्रेंट, स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में बताया। अच्छा, आपको जॉब दे दी जाए तो क्या करोगे? अभी काम का होगा आपका, क्या काम होगा सर? वो जो आप काम दोगे वो जो काम, क्या आपको पता है फायर सेफ्टी में क्या काम होता है? कहीं जॉब मिलती है तो क्या काम होता है फायर सेफ्टी का? कपड़े का तो काम नहीं होता? नहीं, कपड़े का तो नहीं होता। नहीं होता ना, क्या काम होता है सर? फायर, आग बुझाने का काम होता है फायर फाइटर। आग तो लगेगी नहीं वहाँ, क्या करेंगे बताओ? फिर उनको हम इक्विपमेंट, आग ही लगेगी तो मैं काम क्यों करूँ? इक्विपमेंट होते हैं फायर सेफ्टी के, इक्विपमेंट का बेसिक। अगर आपको मैं कोई यंत्र दे दूँ चलाना आता है आपको? एक्सटिंग्विशर क्या होता है? एक्सटिंग्विशर आग बुझाने का ऐसा उपकरण जो आपातकालीन स्थिति में काम आता है। आग बुझाने का ऐसा यंत्र है जो आपातकालीन स्थिति में काम आता है। हाँ। आपातकालीन तो फायर की सारी आपातकालीन होती है, पूछ के कब लगती है? छोटी आग को बुझाने के लिए काम में आता है। तो छोटी आग को एक्सटिंग्विशर से बुझाते हैं, कोई अन्य यंत्र से नहीं बुझा सकते सर? अन्य यंत्र से बुझा सकते हैं, लेकिन फायर एक्सटिंग्विशर हर बिल्डिंग में इंस्टॉल होते हैं। क्यों होते हैं इंस्टॉल, उसकी जगह कोई और चीज़ क्यों नहीं होती सर? वो फायर एक्सटिंग्विशर कोई भी ऑपरेट कर सकता है। कोई भी ऑपरेट कर सकता है? नॉलेज नहीं होगा कैसे कर सकते? नॉलेज होता है ना तो हर एक पब्लिक को नॉलेज कैसे होगा उसका? हर एक पब्लिक को तो चलाने का तरीका क्या होता है, चलो बताओ। पास ही जैसे पास, व्हाट इज पास? पास क्या होता है? स्प्रिंकलर क्या होता है पता है आपको? क्या होता है स्प्रिंकलर? एक ऐसा उपकरण है जो ऑटोमेटिक आग बुझाने का यंत्र है, जो आग को डिटेक्ट करता है और फिर ऑटोमेटिक फायर के रूप में पानी देता है। QPD की फुल फॉर्म क्या होती है, कहाँ लगा होता है QPD? स्प्रिंकलर में लगा होता है, एक बल्ब होता है। तेज बोलो, क्या होता है? एक QPD एक बल्ब होता है, स्प्रिंकलर में लगा होता है। वो एक निर्धारित तापमान पे टूट जाता है, फिर स्प्रिंकलर शुरू हो जाता है। हाइड्रेंट के बारे में नॉलेज है? हाइड्रेंट कहाँ काम में लिया जाता है फायर फाइटिंग में, क्यों काम में लिया जाता है हाइड्रेंट? फायर फाइटर द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी लेने के लिए काम में लिया जाता है। फायर फाइटरों द्वारा पानी प्राप्त करने के लिए हाइड्रेंट पॉइंट का प्रयोग किया जाता है, और पॉइंटों का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता सर? पानी तो हाइड्रेंट से लेते हैं ना। पानी तो अपने नल से भी ले सकते हैं। तो ऐसे सर वो फायर फाइटर की गाड़ी आती है उससे भी ले सकते हैं। पंप रूम के बारे में नॉलेज है? पंप रूम क्या होता है? पंप रूम, अगर पंप रूम में ड्यूटी दे दी जाए तो ऑपरेट कर सकते हो? कितने प्रकार के पंप मिलेंगे वहाँ?
एक फायर फाइटर कितने केजी प्रेशर तक होस को जो ब्रांच होती है उसको कंट्रोल में ले सकता है एक फायर फाइटर? सर 23 केजी। कितना? 23 केजी। देखो ये प्रैक्टिकली नॉलेज तो लो ठीक है बढ़ जाएगा, पर जब आप स्टार्टिंग में पढ़ाई की थी कहीं से भी तब ये चीज़ तो आपके सिलेबस में भी थी, फायर फाइटिंग का बेसिक नॉलेज कंप्लीट सिलेबस में आपके थी और फिर भी आपको नॉलेज नहीं है। टाइम बहुत निकला इसलिए टाइम निकल गया ना, जॉब तो चाहिए ना आपको। जी सर, जॉब जॉब चाहिए तो टाइम तो वो तो देखो आपको करना पड़ेगा एडजस्ट। वो तो सर मेंटेन करेंगे। और क्या बताया आपको, बताओ फायर के बारे में। सर आगे एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, ये तो बेसिक है, केमिस्ट्री ऑफ फायर है। और क्या नॉलेज है? किसी बंद रूम में फायर हो जाए, जी सर, आग लगी है और वहाँ उस समय आप मौजूद हो, जी, उसको बुझाने का तरीका बताओ। सर उस कमरे के जितने भी खिड़कियाँ हैं उनको बंद कर देंगे। बंद कर देंगे खिड़कियाँ? ऑक्सीजन है प्रवेश नहीं करेंगे। अच्छा, फिर हम कोई भी इक्विपमेंट। अच्छा, खिड़कियाँ बंद कर दोगे, गेट बंद कर दोगे, अंदर आप तुम खड़े हो जाओगे तो धुआं बाहर जाना चाहिए या अंदर आना चाहिए रूम के? वो तो बाहर ही जाना चाहिए। तो उसके लिए खिड़कियां बंद करेंगे या खोलेंगे? वो तो खुली रहेंगी। तो अपन ने बंद कर दी, चलो ठीक है, खिड़कियां बंद कर दी, खोल दी, आगे क्या करोगे? जो भी फायर का इक्विपमेंट पड़ा है तो उससे आग बुझाएंगे। इक्विपमेंट फायर का वहाँ कोई है ही नहीं, फिर क्या करेंगे? वहाँ पे पानी गिरेंगे। पानी भी नहीं है? पानी भी नहीं है तो फिर धूल या मिट्टी गिरेंगे। वो कहाँ है, पानी नहीं है, एक्सटिंग्विशर नहीं है, धूल मिट्टी भी नहीं है, कॉल करेंगे। आपके पास फोन नहीं है और वहाँ भी कॉल करने के लिए कोई पॉइंट नहीं है, फिर क्या करोगे बताओ? नहीं बता, स्टारवेशन विधि जानते हो क्या होती है? सर क्या होता है स्टारवेशन का? होता है भूख मारना। भूख मारना? हाँ। और भूखा मारना से मतलब क्या हो गया कि उसको पर्याप्त मात्रा में आग को क्या नहीं मिलना, ईंधन। हाँ, अगर ईंधन आपको नहीं मिलेगा तो आग जलेगी या बुझेगी? बुझेगी। तो अगर उस बंद रूम में अपन और कोई अपने काम नहीं कर रहा तरीका, तो अपन कौन सा तरीका काम में ले सकते हैं? स्टारवेशन, जो जल गया सो जल गया और जो नहीं जला उसको हटा देंगे ताकि ईंधन नहीं मिले तो वो आग क्या हो जाए, बुझ जाए। कोई ना, कुछ हद तक आपने बढ़िया चीज़ें बताई है, बाकी चीज़ें आपको और भी नोट करनी पड़ेगी। इंटरव्यू आपका अच्छा है और सैलरी पैकेज भी आपको कम्प्लीटली बता दिया जाएगा और रनिंग में सारी चीज़ आप कर रहे हो वैसे ही करते रहना, नॉलेज धीरे धीरे डेवलप करते रहना। महीने के बाद और इंटरव्यू लेंगे, अगर आप रियलिटी में अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो तो पैकेज आपका अच्छा कर देंगे, अगर नहीं कर रहे तो जो है सो है। ठीक है, चलिए।